किसका नहीं पता होता, हम जितना अपने बारे में जानते हैं उतना ही जानते हैं, हम ये सोचते हैं दूसरा हमारे बारे में कुछ सोचता ही नहीं। जैसे सर का जो हमने बनाया था अपनी क्वालिटीज देखी थी, अपने टीचर्स के साथ एक्सचेंज किया था, अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज किया था, उससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कितनी सारी क्वालिटी। मतलब ही क्या है प्रोफेशनलिज्म से? What do you mean by professionalism? Passion for sir, one of the quality. किस पर्सन को प्रोफेशनल बोलेंगे? वेरी गुड आंसर पर्सन है जिसको अपने प्रोडक्ट की अपने काम की एक्सपर्टीज हो, राइट? और डेडिकेटेड होना चाहिए, हाँ? उसी प्रोफेशन के लिए एटीट्यूड हो। होता पता क्या, जिस प्रोफेशन में है ना वो अच्छा नहीं लगता, किसी और प्रोफेशन में जाना चाहता, जहां पर है ना वो कुर्सी पसंद नहीं है, किसी और चेयर पर जाना चाहता। सुन लो और पूरा दिन ये सोचते रहे। आज कोई चैलेंज नहीं आया तुम्हारा जिंदगी में? आज तो सब कुछ स्मूथली हो गया, मंजीत से लेने आ गए पैकेट और छोड़ दिया उसको, स्मूथली हो गया। मानी पता स्मूथ थोड़ी ना होती है जिंदगी, कभी उल्टो में जाने का मौका तो रोकता है। फिर ये प्रेम मत बोलो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, आप भगवान से स्ट्रेंथ मांगेंगे, भगवान मुझे वो स्ट्रेंथ देना कि मैं आने वाली जिंदगी में हर चैलेंज से लड़ पाऊं। तो ये आया ना, मैं चाहता हूँ मेरी स्लाइड पे सभी पॉइंट्स जो है एकदम आए, अलग अलग से आए। उनको क्या करना, होनी चाहिए ताकि अच्छे से हम अपना काम कर पाए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये जाना कि हम किसी भी प्रोफेशन में है तो हमें उसके बारे में नॉलेज, उसकी तरफ हमारा एटीट्यूड और उसकी तरफ हमें स्किल्स आने बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना हम एक
ट्रू प्रोफेशनल नहीं कहलाएंगे, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। दूसरा हमने ये जाना कि अगर हमें किसी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना है तो हमें उसके लिए प्रेजेंटेबल भी बनना पड़ता है, क्योंकि जब तक हम खुद प्रेजेंटेबल नहीं रहेंगे हम दूसरों को कुछ नहीं समझा पाएंगे, ना उनके साथ आई कॉन्टेक्ट बना पाएंगे, ना हम वो कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएंगे। तो थैंक यू। सो मैंने आज प्रोफेशनलिज्म के बारे में सीखा। तो जो भी आपका प्रोफेशन होता है उसको आप पूरी डेडिकेशन और पैशन के साथ करना चाहिए उसको, और इसके अलावा स्टूडेंट्स को किस तरीके से उनको इंगेज करके क्लासरूम में हम उसको इफेक्टिव बना सकते हैं। चैलेंजेस आर पार्ट ऑफ लाइफ लॉन्ग विद वर्क। हम जो भी कार्य करें वो सभी प्यार के साथ करना चाहिए। दिन में बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर सबसे बेस्ट जो मैं बताऊँगी टीचर की डेफिनेशन, सर आपने बताई कि टीचर बच्चे को उस लेवल पे जाके जब सिखा देता है तो वो डेफिनेशन मैं हमेशा याद रखूँगी, एंड ऑल्सो दैट अ टीचर इज ऑलवेज अ लर्नर। प्रोफेशनल के बारे में सीखा कि जो अपना सब्जेक्ट होता है उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज मैंने सीखा कि हम जिस भी प्रोफेशन में हैं वहाँ पे हमें अपना 100% देने की कोशिश करनी चाहिए, और इन द सेंस 100% सिर्फ आप अपना होनेस्टी से दीजिए, ईमानदारी से, कुछ भी चाहे हम पढ़ते हैं या हम पढ़ाते हैं तो हमें ईमानदार रहना चाहिए। थैंक यू। मैंने सीखा कि सिर्फ PPT कट कॉपी पेस्ट नहीं होता है, उसके अंदर आपको अपना 100% देना चाहिए। इससे पहले मैं जब भी PPT बनाती थी तो कट कॉपी पेस्ट कर देती थी। अब मैंने देखा है कि हम कैसे उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए और साथ में हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमें अपने फॉलो करने चाहिए, और उसके बाद हमें क्या लोगों से फीडबैक भी लेना चाहिए ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर सकें। अपने प्रोफेशन की तरफ लॉयल होना चाहिए, क्योंकि जो हम अपने बेसिक प्रिंसिपल्स रखेंगे जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट अपना आउटपुट दे सकते हैं। सबसे मेन बात सर, मैंने कॉन्फिडेंस वाली बात जो है वो मैं सिर्फ वही बोलना चाहती हूँ कि इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था पहले मेरे अंदर कि मैं सच में बोल पाऊँ, लेकिन अब मैं इतनी कैपेबल हो गई हूँ कि मैं थोड़ा बहुत जैसे मुझसे बोला जाता है मैं वैसा बोल लेती हूँ। सर सीरियसली बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट गर्ल हूँ मैं, मैंने आज से पहले कभी भी शायद मैंने माइक में बोला इतने सारे लोगों के आगे, और ये मेरा फर्स्ट टाइम था और ये मेरा बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। मैंने सबसे ज़्यादा यही सीखा है सर।